और यहाँ पे जो आ रहे हैं नीचे सिंबल्स के नीचे, ये सिंबल्स और इक्वेशन, ये बने बनाए सिंबल्स है। आप मतलब इस तरह की कोई आपको फॉर्मूला टाइप करना है तब यूज कर सकते हो। और ये यहाँ से सिंबल से आपको जो भी सिंबल लेना है आप उस पर क्लिक करके और इंसर्ट कर सकते हो। कहाँ क्लिक है आपका, क्लिक होना चाहिए, जैसे कि हमारा क्लिक इस जगह पर है, सिंबल्स पर जाएंगे, कौन सा सिंबल आपको इंसर्ट करना है क्लिक करिए, इंसर्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर ही इंसर्ट होते जाएंगे, क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है, जहाँ आपका क्लिक रहेगा उस जगह पर होंगे। अगर इनकी कोई शॉर्टकट की रहती है तो यहाँ पर शॉर्टकट की भी बता देता है, जिसकी भी शॉर्टकट की होती है, नहीं होती तो नहीं बताता, होती है तो फिर बता देता, ठीक है। अब अपन चलते हैं पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में आपको जैसे अपन ने एमएस वर्ड में पढ़ा था डिजाइन टैब, उसी टाइप का है पेज लेआउट टैब। अपन यहाँ से कोई शीट ओपन कर लेते हैं पहले, तो ठीक है। अब इसमें हम जैसे कि हमारी ये सीट है, इसमें हमने क्या किया, सिलेक्ट कोई भी कलर वगैरह कर लिया। अरे इसमें क्या हमने कोई कलर वगैरह दिया है। अभी आप यहाँ से पेज लेआउट टैब पर जाइए, थीम्स पर जाइए। अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपके जो नंबर्स हैं या फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें वो थोड़े से अलग डिजाइन में आ रहे हैं, लेकिन कलर जैसा है वो वैसा ही है। तो कलर आप अगर यहाँ से कोई सा कलर देते हैं, जैसे कि हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा है, इतने टेक्स्ट में हमने यहाँ से कोई सा भी एक कलर दे दिया है। अब आप पेज लेआउट टैब में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कलर भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। मतलब आपको आपके सीट की जो है थीम चेंज करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं, कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं बाद में, ठीक है। इस तरह से डिजाइन चेंज होगी, नंबर की भी होगी और टेक्स्ट की भी होगी, अगर आपने इसमें कोई टेक्स्ट लिया है तो टेक्स्ट की भी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है कलर। कलर अभी आप होम टैब में जाकर देख रहे हैं कि कलर अपन को इस टाइप से दिख रहे हैं। आपको कलर की थीम चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसा भी आपको लेना है, जैसे कि आपको ग्रेस कलर लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहिए आपको, या फिर ब्लू ग्रीन ज्यादा आना चाहिए, तो आप यहाँ से बोले सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जाकर उसी टाइप की थीम चेंज हो जाती है। आपको नॉर्मल करना है, कलर्स पे जाइए, यहाँ से आप ऑफिस या फिर ऑफिस 2007 जो भी आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर दीजिए, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। आ गया कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला है फॉन्ट। आप फॉन्ट तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर क्यों दिया है, आप यहाँ से फॉन्ट की भी थीम चेंज कर सकते हैं कि आपको जो देखिए। वैसे क्या होता है, अपन जितनी जगह सिलेक्ट करते हैं उतनी जगह में ही फॉन्ट चेंज होता है या कलर चेंज होता है, लेकिन आप यहाँ से कुछ सिलेक्ट करिए या मत करिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपकी पूरी ये जो ऑप्शन है ये पूरी सीट में अप्लाई होते हैं, भले ही आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ है जगह को या नहीं किया हुआ है, ठीक है। आप देखिए कलर चेंज हो रहा है टेक्स्ट का, जो अपन ने नंबर्स लिए उनका हो रहा है, ठीक है। इस तरह से फॉन्ट चेंज करना है, आपको किस टाइप का फॉन्ट रखना है तो आप यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ये फॉन्ट जैसा भी रखना है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट, यहाँ से ये इफेक्ट आता है टेक्स्ट में, बहुत हल्का इफेक्ट आता है जो अपन को समझ में नहीं आता, अगर आपको कोई इफेक्ट रखना है तो वो आप यहाँ से ले सकते हो, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आता है मेन चीज जो है वो है मार्जिन। इसमें अब आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें जो जितने भी ऑप्शन है वो आपके बहुत काम के हैं, क्योंकि आप इसमें काम करना सीख जाओगे, एक्सेल में आपको काम करना आने लगेगा, आप लिस्ट भी अच्छे से बना लोगे, फॉर्मूले भी टाइप कर लोगे, लेकिन अगर आप प्रिंट नहीं निकाल पाओगे तो फिर आपका इतना सब सीखने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हम कंट्रोल पी कर रहे हैं, हमारा आधा डाटा आ रहा है या फिर थोड़ा बहुत डाटा क्या हो रहा है अगले पेज पर जा रहा है। अगर एमएस वर्ड में ऐसा हो जाता है, जैसे कि कोई आप पेज निकाल रहे हो, एक बार पेज एक्स्ट्रा निकल गया, थोड़ा बहुत डाटा अगले पेज पर चला गया तो चल जाता है, लेकिन ये क्या है, अपनी पूरी एक सीट है, एक ही सीट है, पूरी एक पर ही आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। तो वो सब आप प्रिंट की सेटिंग कैसे कर सकते हो, वो सब आप यहाँ से पेज लेआउट टैब से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अभी अपन ने ये तो पढ़ ही लिया था कि नॉर्मल व्यू है, और अगर आपको देखना है कि एक पेज पर आपका कितना डाटा आएगा तो आप पेज लेआउट व्यू पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें मार्जिन। मार्जिन का क्या काम होता है, मार्जिन क्या होता है बताइए, कौन पेज हाँ, पेज के चारों तरफ जो एरिया होता है, जो अपन थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ देते हैं उसको अपन मार्जिन कहते हैं। कंट्रोल के साथ आप पी करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है प्रिंट प्रिव्यू, ठीक है। यहाँ से आपको क्या दिखाता है, ये प्रिंट प्रिव्यू, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ पी,
और आप कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे, ये भी प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। F2 पता है फंक्शन की होती है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस तरह से आ रहा, चारों तरफ आप देख रहे हैं कुछ जगह छूट रही है, इसको अपन बोलते हैं मार्जिन। तो आप अगर जैसे कि आपका थोड़ा बहुत डाटा अगले पेज पर जा रहा है, अपना ज्यादा जा रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाटा अगले पेज पर जा रहा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मार्जिन को कम कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ से मार्जिन कर दिया नैरो, तो अभी तक कहाँ तक आ रहा था, अपना सोशल साइंस तक आ रहा था। आप कंट्रोल पी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा आने लगा अपना डाटा, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका थोड़ा बहुत डाटा एक आध कॉलम अगले पेज पर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, मार्जिन कम कर देंगे, तो आपका जो डाटा है वो एक ही पेज पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अपन पेज लेआउट व्यू कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से मार्जिन बढ़ा देते हैं, अगर नॉर्मल करना है, देखिए नॉर्मल किया तो क्या हुआ, साइंस तक आ रहा है, पहले कहाँ तक आ रहा था, टोटल तक आ रहा था। इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग मार्जिन लेना है, तो आप कस्टम मार्जिन पर जाकर अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले सकते हैं। अभी 0.75, 0. ये तो हेडर है, मतलब हेडर में कितनी जगह छोड़ी गई है यहाँ पर ये बता रहा है, और फुटर में। अगर जैसे कि आपने यहाँ पर 0 टॉप में और बॉटम में सेम रहता है, और लेफ्ट में और राइट में सेम रहता है, अगर आप इन सभी को 0 0 कर देते हैं, जैसे हम इसको भी 0 कर देते हैं और इसको भी 0 कर देते हैं, ओके, तो आप देखिए यहाँ से पूरा मार्जिन हटा दिया उसने, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्जिन कम करके ले सकते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं, कर लेंगे मार्जिन वाला। अब इसके बाद है अगला ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप अपने पेज को खड़े में रखना चाहते हैं या आड़े में रखना चाहते हैं, इस ऑप्शन का अपन कब यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा नीचे तो डाटा ज्यादा नहीं है, हमारा डाटा कहाँ पर है, ज्यादा ऐसे में ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस पेज को, पेज तो हमारा A4 ही निकलेगा, मतलब जिस साइज का हम पेज निकालेंगे पेज तो वही निकलेगा। हम क्या करेंगे, इस पेज को तिरछे में ले लेंगे, तो ये देखिए आपका जो डाटा है वो इसमें आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा डाटा आ जाएगा, इसमें परसेंटेज तक आ गया। तो आप क्या करेंगे, आपका जो पेज है उसको पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाटा है एक ही पेज पर आ जाएगा, लेकिन फिर भी अपना थोड़ा सा रह रहा है। तो आप इसके लिए एक चीज और कर सकते हैं, आपके जो कॉलम की साइज है ना वो छोटे कर सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ से साइज छोटी कर लें, जैसे आप चाहते हैं कि एक पर ही आ जाना चाहिए, जैसे कि लग रहा है आपको एक्स्ट्रा है, तो आप इस तरह से इनकी साइज छोटी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन आगे सीखेंगे कि अगर कॉलम की भी साइज छोटी नहीं करनी तो आप कैसे ले सकते हैं। ओरिएंटेशन आए समझ में, आप इसका कब यूज करेंगे, जब आपका डाटा यहाँ से तो कम है, नीचे तो मतलब आपका ज्यादा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देंगे, तो आपका इसमें ज्यादा डाटा आ जाएगा। अगर आप पोर्ट्रेट रहने देंगे तो आधा डाटा अगले पेज पर जा रहा है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप। इसके बाद साइज, आपको किस साइज का पेज रखना है, नॉर्मल जो होता है A4 ही होता है, लेकिन अगर आप PDF वगैरह बना रहे हो तो आप इनमें से कोई सा भी पेज चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रिंट निकाल रहे हो तो आपको कौन सा यूज करना है, A4 ही, मतलब। और अगर आपका प्रिंटर अदर किसी साइज में निकालता है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हर जगह पर A4 यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप B4 कर दोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, A4 से बड़ा होता है, ठीक है। B5 कर दोगे तो ये और छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ले लीजिए, A3 बहुत बड़ा होता है, A3 किसके बराबर होता है, आपने देखा होगा CBSE की मार्कशीट रहती है, बहुत बड़ी रहती है CBSE की मार्कशीट, वो रहता है A3 साइज, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से साइज ले सकते हैं। इसके बाद अपन ने यहाँ से बिल बनाना सीखा था, ठीक है। अब देखिए हमारा एक बिल है, यहाँ पर दूसरा बिल है, यहाँ पर तीसरा बिल है, हम कंट्रोल पी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास तीनों बिल प्रिंट होकर आ रहे हैं, जबकि एक कस्टमर को हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बिल देंगे, हम उसको तीनों नहीं देना चाहते। तो आप एक पेज प्रिंट करोगे तो आपका प्रिंटर क्या A4 साइज ही निकालता है, एक पर एक ही निकलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया है सेट प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। जैसे कि हम क्या चाहते हैं, हमारी जो फर्स्ट वाला जो बिल है हमने सिलेक्ट किया, जितनी जगह हमें प्रिंट करानी थी उतनी जगह हमने सिलेक्ट की, सेट प्रिंट एरिया पर गए, यहाँ से हमने इस पहले सिलेक्ट करना है, फिर सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दिया। अब हम कंट्रोल पी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारा कौन सा बिल आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाला बिल आ रहा है, सेकेंड और थर्ड को उसने क्या किया, छोड़ दिया। अब हमें सेकेंड बिल प्रिंट करना है, आप सिलेक्ट करो इसको। सिलेक्ट करने के बाद अभी क्या है, अपना पहले से ही प्रिंट एरिया सिलेक्ट है, फिर भी आपने क्या किया, सेट प्रिंट एरिया कर दिया, और आप कंट्रोल पी करेंगे तो ये दूसरा दूसरा वाला प्रिंट होगा, अब ये ही प्रिंट होगा। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, पूरा ही पेज प्रिंट करना है,
आप कंट्रोल पी कर रहे हैं, जब तक आप